तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। भाई मैं आज आपके लिए एक अनदर वीडियो के साथ आ गया हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की वीडियो लेके आया हूँ। कार भी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट टाइप के लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कार लेके आया हूँ। स्विफ्ट VVT 2013 मॉडल है। आपको विद अलॉय मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको। और भाई कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है दूर से खड़ी हुई। 2013 मॉडल है। जो भी इसके प्राइसिंग है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कितने प्राइस में आपको मिलने वाली है, कौन सा ओनर होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पेट्रोल मैं आपको बता चुका हूँ। भाई साइड की प्रोफाइल ही दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले साइड से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिलने वाली है। VVT की वहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं। अगर मैं आपको टायर कंडीशन की बात करूँ, अलॉय दिखाने चाहूँ तो भाई देख लो, मारुति सुजुकी कंपनी फिटेड अलॉय मिलने वाले हैं इसको। MRF के टायर्स देख सकते हैं भाई, आपको सारी बैजिंग आपको दिख रही होगी। और भाई बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में मिलने वाली है आपको गाड़ी, मतलब कोई भी स्क्रैच, कोई टूट फूट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिलने वाली है आपको। ये तो होगी साइड प्रोफाइल। अगर मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल और दिखाना चाहूँ तो भाई फ्रंट से आप देख सकते हैं, फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखती है। और भाई स्विफ्ट की तो बात ही अलग है यार, बहुत लोगों की पसंद है स्विफ्ट। स्विफ्ट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और भाई फ्रंट से अगर मैं आपको बताऊं तो भाई जिसकी ग्रिल देखो, या ये जो ग्रिल दिख रही है आपको, ये बहुत ज़्यादा मतलब अलग टाइप की सी देखने में लगती है। ये देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक फील करा रही है ये। और भाई UP 16 नंबर, नोएडा नंबर मिलने वाला है। फॉग लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फ्रंट की कुछ कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके की ये होने वाली है। तो भाई फ्रंट कंडीशन ये हो गई, साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ। बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है गाड़ी का, देख लो। बिल्कुल ऑसम कंडीशन में मैं आपको गाड़ी दिखाने, बिल्कुल ऑसम कंडीशन में, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन है भाई। और यहाँ पे आपको सारी ZXI की बैजिंग, ABS वगैरह सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये तो भाई बाहर की प्रोफाइल की बात, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से और दिखा देता हूँ गाड़ी। अंदर से तो दिखा देता हूँ भाई, मगर देखो मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया, इसको भी देख लो आप भाई। साइड मिरर्स पे इंडिकेटर्स यहाँ पे व्यू मिल जाता है आपको, मतलब बाहर इंडिकेटर का साइड मिरर्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भाई ये मैंने गाड़ी खोल दी है, दरवाजे से शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा, मतलब इसमें स्पेस का जो ये डिज़ाइन दे रखा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारे स्विचेस कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादातर गाड़ियों में ये रहता ही है, यहाँ पे तो स्पेस थोड़ा बहुत आप कॉइंस वगैरह रख सकते हैं। स्विफ्ट की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, अगर आपको ये दिख रही हो तो, जैसे कि ये रही, ठीक है भाई। और अंदर से मैं आपको दिखाऊँ, फुल जेट ब्लैक इंटीरियर करा रखा है भाई ने। सीट की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, ये आपको सीट थोड़ा सा रिपेयर करानी पड़ सकती है भाई। ये देख रहे हो, थोड़ा सा ये टूट फूट सी यहाँ पे हो रही है, बस इसके अलावा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी है। बाहर खड़ी है गाड़ी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, इसमें मैं बैठूंगा नहीं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इस तरीके का कुछ अंदर से इंटीरियर आपको मिलने वाला है। सेंटर कंसोल की बात करूँ मैं तो आपको भाई यहाँ पे ये इस तरीके से मिल जाता है। तो भाई ये तो मैंने आपको पूरी गाड़ी दिखा दी है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पर फुल स्क्रीन मिलेगी, बैक सेंसर, बैक कैमरा, यहाँ से आप सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और पूरा मल्टीमीडिया फंक्शन, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। 2013 आस्किंग प्राइस है 3.5 लाख रुपये। और भाई टॉप मॉडल है ये, पेट्रोल वेरिएंट में मिलने वाली है आपको। और भाई देख लो वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक ज़रूर करना। और भाई जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जो ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ओनर का नंबर मेंशन कर दिया, आप डायरेक्ट कॉल करें और भाई गाड़ी को ख़रीद सकते हैं।